बात है। आज सूचना प्राप्त हुई थी लोकल थाना पे कि गढ़पुरा ओपी एवं फुलवरिया थाना का जो बॉर्डरिंग इलाका है, बारो गांव पड़ता है, उसके अंदर टोला में दो क्रिमिनल्स जिनका अपराधी के इतिहास है। बेगूसराय की पुलिस ने एसटीएफ की मदद से एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अपराध की योजना बना रहे दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतिरोध करने पर दोनों ही अपराधी मौका पाकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने दो पिस्तल 11 जिंदा कारतूस को बरामद कर लिया है। उक्त मामले में पुलिस ने कार्य में बाधा डालने के आरोप में 5 लोगों को चिन्हित कर हिरासत में लिया गया है तथा उन पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पूरा मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो की है। एसपी मनीष ने जानकारी देते हुए बताया कि फुलवरिया पुलिस एवं एसटीएफ को सूचना मिली थी कि बारो बांध के नजदीक कुछ अपराधी जमा हुए हैं जो किसी अपराध की फिराक में है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां छापेमारी की। तत्पश्चात नीलेश कुमार एवं राहुल उर्फ चांद को हिरासत में लिया गया, लेकिन इतने में ही वहां स्थानीय लोग जमा हो गए और पुलिस की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने लगे। मौका पाकर दोनों ही अपराधी वहां से फरार हो गए। इस दौरान नीतीश कुमार के द्वारा पुलिस पर गोली भी चलाई गई, जो वहां एक स्थानीय व्यक्ति को लग गई, जिनका इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जहां अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। उक्त मामले में पुलिस कार्य में बाधा डालने के आरोप में 5 नामजद एवं अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है तथा फरार अपराधी नीतीश कुमार एवं राहुल कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। बात है, आज सूचना प्राप्त हुई थी लोकल थाना पे कि गढ़पुरा ओपी एवं फुलवरिया थाना का जो बॉर्डरिंग इलाका है, बारो गांव पड़ता है, उसके अंदर के टोला में दो क्रिमिनल्स जिनका अपराधी के इतिहास है, नीलेश कुमार है और दूसरा राहुल उर्फ चांद है, दोनों पे केसेस फैले से ये साथ में है और इनके पास अग्नयास्त्र होने की संभावना है। इट्स पॉसिबल कि किसी घटना की फिराक में है। सूचना के लिए टीम बना करके लोग गए छापेमारी करने और पकड़ने के क्रम में ये जब इनको पुलिस द्वारा अप्रीहेंड किया जा रहा था तो इन दोनों ने फायर किया। इन दोनों में से नीलेश ने फायर किया और वो जो गोली थी वहाँ पे मौजूद एक जो ग्रामीण है भोलू सिंह नाम से उनको उनको लगी और अपर आम एरिया में लगी है, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के द्वारा पकड़ने की पूरी कोशिश की गई। इस दरमियान वहाँ पे कुछ स्थानीय लेडीज एंड जेंट्स ने, महिला पुरुष ने, उनको भगाया गया, जो कि पुलिस के कार्य में अवरोध उत्पन्न किया गया, परंतु पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 हथियार 2 पिस्टल एवं संबंधित 11 गोलियों को बरामद किया है एवं जो पुलिस के कार्रवाई में बाधक बन रहे थे, अवरोध पैदा किया, उनमें से 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो 2 व्यक्ति हैं नीलेश एवं राहुल, इनके विरुद्ध छापेमारी चल रही है। एसटीएफ के साथ पूरी घटना, ये पूरी कार्रवाई पुलिस ने की, उनकी छापेमारी के लिए पॉसिबल ठिकानों पर हम लोग दबिश दे रहे हैं। बहुत जल्दी उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिलहाल जो घटना हुई कि जो व्यक्ति को गोली लगी एवं उस संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उनके द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई इन 2 व्यक्तियों पर एवं पुलिस ने रिगार्डिंग हथियार रिकवरी एवं पुलिस कार्य में जो बाधा उत्पन्न हुई उसको लेकर के केस दर्ज किया। 2 केस दर्ज किए गए और रिकवरी में 2 हथियार एवं 11 गोलियां शामिल हैं। फायरिंग की गई थी एक राउंड, जो कि एक वहाँ के पब्लिक पे लगी, जो कि क्रिमिनल के द्वारा की गई थी। कोई भी हताहत नहीं हुआ है पुलिस की तरफ से, सब लोग ठीक। हम लोग आसपास थानों से बता रहे हैं। राहुल रुफचांद का शराब के केसेस हैं उसके ऊपर और नीरज के ऊपर भी केसेस हैं, हम आपसे शेयर कर रहे हैं।